नमस्कार और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं हूँ एमडी मुन्ना और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एंड्रॉयड वर्ज़न है मोबाइल फ़ोन के लिए, उसे कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे उस पर हम अपने सारे एक्सेल के बेसिक काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक्सेल को आपको इंस्टॉल कैसे करना है। पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। गूगल के प्ले स्टोर में दो ऐप्स ऐसे हैं जिनका यूज़ करके आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर सकते हैं। जब आप एक्सेल टाइप करेंगे यहाँ पर और सर्च करेंगे, तो एक ऐप आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से। तो ये सिंगल ऐप है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्सेल पे काम कर सकते हैं। दूसरा ऐप है जिसका नाम है ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इस ऐप को आपको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके अंदर आपको वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है और कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं, जो एक बेसिक काम के तौर पे आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप इसके अंदर एक्सेल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन दोनों ऐप्स में से आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी ऐप यूज़ कर लीजिए। वैसे मैं आपको इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप पर काम करने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल में काम कैसे करते हैं। तो जब आप ऑफिस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपको ये ऑफिस आइकन के नाम से फ़ोन में दिखेगा। आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे ये प्लस का साइन दिख रहा है, आप इसे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों के सेक्शन दिए हुए हैं। तो हमें एक्सेल पे काम करना है, तो हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर जो ब्लैंक वर्कबुक का सेक्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। अब ये एक ब्लैंक वर्कबुक, एक्सेल का जो ब्लैंक फाइल होता है, उसको ओपन कर देगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस विंडो में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर जो है फंक्शन का एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे आप फॉर्मूले कुछ टाइप कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में आप देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3 में जो लिखा हुआ है, इसको रोज़ कहते हैं, जो हमें बताता है कि हम अभी किस रो पे काम कर रहे हैं। और ऊपर ABCD लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि हम किस कॉलम पर काम कर रहे हैं। तो अगर आपको टाइपिंग करनी है, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ एंटर करने हैं इस बॉक्स के अंदर जिसको हम सेल कहते हैं, तो इसके अंदर आपको पहले टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे, यहाँ पर ये छोटा सा एक मेन्यू आ जाएगा, इसमें आपको एडिट पे क्लिक करना है और कीबोर्ड का ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर एक 1, 2, 3 करके ऊपर छोटा सा देखिए कीबोर्ड का आइकन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेटर टाइप या फिर आप कह लीजिए न्यूमेरिकल चीज़ों से रिलेटेड कीबोर्ड आ जाएगा। तो आप इसके थ्रू जो है डेटा एंटर कर सकते हैं। तो अभी हम अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर टाइप करेंगे। हम एक छोटा सा रिकॉर्ड बनाएंगे जो कि मंथली एक्सपेंस का होगा। तो सभी कीबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं। तभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मंथली एक्सपेंस। अब हमने ये वर्ड लिख दिया इस एक सेल में, A1 जो सेल है, एक सेल में हमने इसको टाइप कर दिया। इसको ओके करने के लिए ग्रीन चेक मार्क करेंगे हम और नीचे वाली रो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम इस बॉक्स में आ गए, अगेन इसके अंदर टाइपिंग करना है। इस पर टाइप करेंगे और एडिट करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करते हैं सीरियल नंबर, ओके, नेक्स्ट। इसी तरह से बाकी डेटा भी एंटर कर देते हैं। ओके, तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पे एक डेटा इंटर कर दिया है मंथली एक्सपेंस बनाने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो मैंने सीरियल नंबर का जो सीरीज़ है 1, 2, 3, वो मैंने छोड़ के रखा हुआ है। तो अगर हमें इसे कैसे इंटर करना है वो देखते हैं। तो यूजुअली हम 1 यहाँ पे टाइप करते हैं, ओके करेंगे, 2 यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको ओके करेंगे। बट हम चाहते हैं कि हम ये सीरीज़ को जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल कर दें, कि हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 तक हमें ये नंबर चाहिए। तो पहला हमने लिख दिया 1 है, दूसरा हमने मेंशन कर दिया है कि 2 है। तो हमने एक्सेल को बता दिया है कि हमें एक एक करके आगे बढ़ना है। अब ये कैसे ऑटोमेटिक इसको 6 तक इस रिकॉर्ड को फिल करेगा वो चेक करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट पे टाइप करना है और इसके साथ ही आप सेकंड पे भी इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस फिल पे हमें क्लिक करना है।
जैसे ही हमने फिल पे क्लिक किया, ये एक इस तरह से ग्रीन में बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे जो कॉर्नर की बॉक्स दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे और इस तरह से नीचे इसको खींच देंगे तो ऑटोमेटिक जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर एंट्री हो गई। तो हमने क्या किया, हमने सीरियल नंबर को ऑटोमेटिक फिल कर दिया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें कुछ फॉर्मेटिंग की भी ज़रूरत है। जैसे मंथली एक्सपेंस यहाँ पे मेंशन है, तो मंथली एक्सपेंस अभी सिर्फ एक बॉक्स में है, बट हमारा पूरा टेबल जो है तीन कॉलम में है। तो इस मंथली एक्सपेंस को हम चाहते हैं कि इन तीन कॉलम में मर्ज होकर दिखे, तो वो मर्ज कैसे करेंगे, आप इसको कॉर्नर से यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरह से थर्ड कॉलम तक, सी कॉलम तक खींच देंगे। और इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे इस बटन पर आएंगे, एरो पर आएंगे और होम के अंदर नीचे यहाँ मर्ज का ऑप्शन दिया है, मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये मर्ज हो जाएगा। इसी तरह से हम टोटल के भी बॉक्स को मर्ज करेंगे, तो इसको हम ए और बी कॉलम यहाँ पर है, इसको यहाँ से ऐसे मर्ज कर देंगे। अब हमें हेडिंग्स को बोल्ड दिखाना है, मोटा दिखाना है, तो इसको हम यहाँ से बी का ऑप्शन है बोल्ड, यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे और होम के अंदर बी का ऑप्शन बोल्ड। और सेम इसी तरह से यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करेंगे जो टेबल की हेडिंग है, और इसको भी बोल्ड कर देंगे। सीरियल नंबर्स को अगर हमें सेंटर में अलाइन करना है, तो यहाँ से होम के अंदर सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सेंटर हो गया। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ दिख रही है कि जो पर्टिकुलर सा सेक्शन है जहाँ पे मैंने रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल लिखा हुआ है, जो रूम रेंट लिखा हुआ है उसमें मुझे लास्ट का लेटर नहीं दिख रहा, मतलब बॉक्स से ज़्यादा जो है टेक्स्ट का साइज़ हो गया है। तो इसमें हमें कॉलम की साइज़ को बढ़ानी पड़ेगी। तो कॉलम का ये विथ कहलाता है, कॉलम का विथ कैसे बढ़ाएंगे, अब बी कॉलम की विथ को हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए बी कॉलम को हम क्लिक करेंगे और देखिए राइट साइड में ये डबल लाइन की तरह हमें दिख रहा है, तो हमें इस बी कॉलम की विथ को एडजस्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद हम इसे राइट साइड में इस तरह से टैप कर देंगे, तो बी और सी का जो बीच में लाइन है हम उस पर टैप करते हैं और इस तरह से ये विथ एडजस्ट हो जाती है। अब हम यहाँ पे इसको बॉर्डर करते हैं, तो इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद इसके जो बॉर्डर लाइन है वो हमें सेट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखिए यहाँ पर ही होम के अंदर आपको बॉर्डर का सेक्शन मिलेगा, तो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट वाला ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर देंगे। बॉर्डर्स के अंदर और भी बॉर्डर के टाइप है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन के भी कलर हैं, आप चाहे तो बॉर्डर की जो लाइन है आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो लाइन का कलर सेलेक्ट करने के बाद आप जब यहाँ पे बैक करेंगे तो वापस से आपको बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा और इस तरह से बॉर्डर की लाइन जो है उस कलर में सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, उस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉन्ट कलर दिया हुआ है होम के अंदर, होम के अंदर जो फॉन्ट कलर है आप उस पर आएंगे और यहाँ से कलर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरह से टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको इस बॉक्स का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करना है तो फिल कलर पे जाएंगे और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। तो इसी तरह से पूरे टेबल की फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने टेबल की फॉर्मेटिंग कर दी, कलर इसमें भर दिया। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट का जो सेक्शन है इसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, तो अगर आपको कोई फार्मूला यूज़ करना है, कैलकुलेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे, इस बॉक्स पे हमें रिज़ल्ट चाहिए, इस बॉक्स पे हम टैप कर दिए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऊपर जो एफएक्स का बॉक्स दिया हुआ है उसको हम लोग फार्मूला टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं फार्मूला अगर हमें पता है ऑलरेडी फार्मूला, या फिर डायरेक्ट यहाँ नीचे देखिए यहाँ भी एक फंक्शन का ऑप्शन आ गया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सारी कैटेगरीज दी हुई हैं कि कौन सी कैटेगरी का फार्मूला हमें चाहिए, तो हम यहाँ से कैटेगरी वाइज फार्मूला सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर डायरेक्ट सम यूज़ करना है तो हम सम पे क्लिक करेंगे। अब क्या हो गया, सम का फंक्शन यहाँ आ गया, तो हमें रेंज सेलेक्ट करना है, तो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे
और इस तरह से कॉर्नर की जो बॉक्स है उसको खींच कर हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से C3 से लेकर C7 तक, यानी 5000 से लेकर 600 तक में जितने भी वैल्यूज़ हैं सभी को ये सम करेगा, और जब फॉर्मूला हमने यहाँ पर रेंज दे दिया तो उसके बाद इसको चेक मार्क कर देंगे ग्रीन से, और ये इस तरह से फॉर्मूला यहाँ पर देखिए आप इंटर हो गया। अब अगर मान लीजिए आपको कोई डेटा एडिट करना है, तो डेटा एडिट कैसे करेंगे? उसके लिए वापस आप उस डेटा पर जाएंगे जिसे आप एडिट करना चाहते हैं, और सिंगल टैप करेंगे और फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे, और आपको जो वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप करनी है आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। अब हम देखते हैं कि चार्ट कैसे बनाएंगे। हमने एक डेटा रेडी किया है, अब इसके बेस पे हमें चार्ट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम चार्ट के लिए उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिस डेटा का हमें चार्ट चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का चार्ट चाहिए। हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें हमारा जो डेटा है वो इतना है, इसका हमें चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे, और यहाँ पे आप देखिए चार्ट का ऑप्शन है, चार्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए। तो हम यहाँ से कॉलम चार्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं। कॉलम चार्ट में ये अलग अलग चार्ट टाइप दिए हुए हैं, यहाँ से मैं फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए चार्ट इंसर्ट हो गई है, और हम इस चार्ट का जो कॉर्नर पे दिया हुआ है ये वाइट कलर का सर्कल, उसको क्लिक करके हम इस चार्ट को छोटा कर सकते हैं, और इस चार्ट को हम यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं इसकी साइज़, ताकि हमें पूरी तरह ये चार्ट अभी दिख जाए। तो अब देखिए हमारी चार्ट जो है रेडी हो गई है, राइट। तो हमारी चार्ट जो है यहाँ पे पूरी तरह से आ गई है, हमें दिख रहा है कि डेटा की वैल्यू किस तरह से यहाँ पे ज़्यादा और कम है, किस चीज़ में हमें ज़्यादा मंथली एक्सपेंस हो रहा है, किस चीज़ में हमें कम मंथली एक्सपेंस हो रहा है। तब हमने ये एक्सेल की फ़ाइल रेडी कर ली, हमने अपना डेटा बना लिया, चार्ट बना लिया, अब हमें इसे सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए आप ऊपर देखिए जो तीन डॉट दिए हैं कॉर्नर पे, आप इसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे सेव एज पे जब क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आपको ये सेव कहाँ पे करना है, तो अपने फ़ोन में सेव करने के लिए दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस फाइल का नाम दे देते हैं जिस नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो मंथली एक्सपेंसेस के नाम से हम इसे सेव करने जा रहे हैं, और सेव करने के लिए सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये फाइल मंथली एक्सपेंसेस के नाम से सेव हो गई है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में, हमने सीखा कि एक्सेल के अंदर हम लोग कॉलम किसे कहते हैं, रोज़ किसे कहते हैं, डेटा को एंटर कैसे करते हैं, डेटा को एडिट कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे टाइप करना है आपको, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हमने चेक किया कि कलर को कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, जो सेल का बैकग्राउंड है, बॉक्स का जो बैकग्राउंड है उसका कलर कैसे चेंज करना है, बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है, बॉर्डर का कलर कैसे अप्लाई करना है, मर्ज कैसे करना है, चार्ट कैसे इंसर्ट करना है, और इसको सेव कैसे करते हैं। तो इतना जो हमने अभी सीखा, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो हर किसी को आना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, ट्रेनर हो, या फिर कोई एक बिजनेस पर्सन ही क्यों ना हो, आपको ये बेसिक काम ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि हमें ये बेसिक काम एक्सेल के अंदर कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो आपने देखा कि आप इसको फ़ोन में एक्सेल ऐप के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इसे यूज़ करें, ट्राई करें, और देखें कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेरीज मुझे कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है हमारा LM Skills Academy के नाम से, आप उस पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक्सेल के ऐप में बेसिक काम करना आए। एंड अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे इस चैनल पर अपलोड हों आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। एंड आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।